नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कविता दास रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैप्पी हैप्पी बिस्किट से मिल्क शेक की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया हूँ हैप्पी हैप्पी बिस्किट, जो 3 पैकेट लिया हूँ, 5 वाला पैकेट है ये, और मैं 3 पैकेट लिया हूँ। आपके बच्चों को जो भी पसंद आता है, जो भी बिस्किट, उसमें भी आप बना सकते हैं। तो इसके बाद मैं 2 चम्मच शक्कर लिया हूँ। मीठा आपके हिसाब से कीजिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच शक्कर और 1 कप मैं मिल्क लिया हूँ, वो भी रूम टेम्परेचर में, और उसके ऊपर जो मलाई है उसको भी ले लिया हूँ। आज हम ना ये 3 चीज़ों से मिल्क शेक बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी रहेगा दोस्तों। इसके बाद ना मेरे पास थोड़ा सा मेल्टेड चॉकलेट था, तो भी ले लिया हूँ गार्निशिंग के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर है तो लीजिए, नहीं है तो आप पेरी मिल्क चॉकलेट में भी बना सकते हैं। तो इसके बाद ना उसको साइड में रखेंगे और बिस्किट को निकाल के ऐसे प्लेट में सारे निकाल देंगे। और ये देखिए, मैंने 3 पैकेट फाड़ के उसका बिस्किट निकाल दिया हूँ। और अभी बिस्किट को ऐसे तोड़ के मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। मिक्सर इतना थोड़ा सा आप जो बड़ा वाला लीजिएगा, जिसमें डोसा वगैरह या फिर जूस वगैरह बनता है, वही वाले मिक्सर लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा साइज का। और सारे बिस्किट मैंने इसमें तोड़ के डाल दिया हूँ। और इसके बाद दूध डाल दूँगी और इसके बाद शक्कर। शक्कर डालने के बाद मैं थोड़ा सा इधर आइस क्यूब लिया हूँ 4, उसको डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप ठंडा पीना चाहते हैं तो आइस क्यूब डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आइस क्यूब डालने से ठंडा ठंडा। तो ये देखिए हमारा मिल्क शेक बन के रेडी हो गई है। तो ऐसे कांच का गिलास लीजिए, अगर नहीं है तो आप स्टील के गिलास में भी बना सकते हैं। अगर प्लास्टिक की गिलास रहता है ना वाइट वाला, वो भी लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं। तो अभी थोड़ा ग्लास को सजा लेंगे, जो मेल्टेड चॉकलेट था ना उसको थोड़ा सा ऐसे साइड में डाल देंगे। अगर चॉकलेट सिरप है ना तो भी डाल सकते हैं आप दोस्तों, और वो भी नहीं है तो आप डेरी मिल्क चॉकलेट को उसको थोड़ा सा मेल्ट करवा दीजिए, तो वो भी उसमें बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी डायरेक्ट पी सकते हैं आप। थोड़ा सा डेकोरेट करने से ना बच्चों को अट्रैक्ट लगता है और बच्चों बहुत ही आराम से पी लेते हैं। वैसे ये बिस्किट का मिल्क शेक है तो बहुत ही टेस्ट लगेगा। और ये देखिए कितनी अच्छी है, हमारा ग्लास भी डेकोरेट हो गई है, बहुत ही टेस्टी, मतलब अच्छा दिख रही है। तो इसके बाद हमारा मिल्क शेक ग्लास में डाल देंगे। तो इसके बाद ना थोड़ा सा 2-4 बिस्किट मैंने रख दिया था, तो उसको तोड़ के ऐसे ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे। मैं आज ना कोई मतलब क्रीम डाल रहा हूँ, ना ही मैं आइसक्रीम डाल रहा हूँ, ऐसे डायरेक्ट बना रही हूँ, 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी, कुछ नहीं है। तो 3 चीज़ों से हम मिल्क शेक बना के रेडी कर सकते हैं दोस्तों। और थोड़ा सा ऊपर से ऐसे डेकोरेट करने के लिए एक बिस्किट रख दिया हूँ, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है दोस्तों, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पूरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, आगे जो भी मैं नया इंटरेस्टिंग वीडियो डालूंगी ना नोटिफिकेशन पहले आपको आ जाएगी। और जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उधर से चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए, जो थोड़ा सा चॉकलेट बचा था तो ऊपर से ऐसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया हूँ मैं, बहुत ही आवाज़ टेस्ट भी है, बहुत ही अच्छी दिख रही है, कितनी अच्छी और कितनी मज़ेदार रेसिपी, हेल्दी रेसिपी। घर पर अगर बना सकते हैं होममेड तो और क्या बात रहेगा। तो थोड़ा सा एक पाइप डाल दिया हम पीने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट में, बस 5 मिनट में ही ये रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी। तो कभी भी आप बच्चे अगर मांगेंगे तो आप बना के दे सकते हैं। तो चलिए बना दे मज़ेदार रेसिपी। बाय बाय।